हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमने ये बनाया हुआ है जो आपको दिख रहा है। ये डिज़ाइन हमने बॉर्डर डाल के यहाँ से शुरुआत किया है। तो देखिए कितना अच्छे से अपने आप ये बन गया है यहाँ पे डिज़ाइन बुनने के बाद में। अब ये हमने दो सिलाई जो है सीधा सीधा बुना है, सामने से भी सीधा और बैक साइड से भी सीधा। तो ये ऊपर से ये डिज़ाइन बुनने के बाद में ये इस तरीके से ये हो गया है। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमने दो सिलाई बुना था, दोनों तरफ से हमने ये सीधा बुना हुआ है। उसके बाद ये डिज़ाइन बुनना है, फिर ये बुनना है, फिर ये बुनना है। शुरुआत इसी से करनी है। तो अभी हम ये बुन चुके हैं यहाँ पर, तो आपको ये पहले बुन के दिखाते हैं डिज़ाइन। तो देखिए कैसे बनाना है हमें। इसको यहाँ पर हमने ये दो सिलाई किया हुआ है, तो यहाँ पर अब हम चार सिलाई करके दिखा देंगे। आपको जो पसंद आए वो आप उस तरीके से बुन सकती हैं। तो यहाँ पर तो हमने ये अभी दो सिलाई हमने सीधा सीधा ही बुना था, तो इसको भी हम ये सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये पूरी सिलाई हम सीधा बुन लेते हैं। अब ये देखिए सामने से हमने पूरी सिलाई जो है ये सीधी बुन ली है। अब बैक साइड से देखिए, बैक साइड से भी हमने पूरी सिलाई जो है ये सीधी बुन लेनी है। तो इसको बुन लेते हैं। ये पूरा बुन लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो सिलाई बुना हुआ है, यहाँ हमने चार बुन लिया। आपको जो पसंद आए आप वो बना सकती हैं। अब इसके ऊपर ये डिज़ाइन बुना हुआ है, तो यहाँ पर पहले हम ये डिज़ाइन बुन के आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। अब यहाँ से कलर चेंज कर लेना है धागे का। तो देखिए कैसे बनाना है। पहला एक फंदा बुनना है, ये देखिए। उसके बाद धागा को हमने ये इस तरीके से फंदे बढ़ाना है, फिर एक फंदा बुनना है, फिर एक फंदा बढ़ाना है। इसके बाद ये जो है तीन फंदा हमने एक साथ घटा देना है। तो इस तरीके से हमने बुनते जाना है। उसके बाद यहाँ से फिर से हम धागा बढ़ाएंगे। एक फंदा हमने बढ़ाया, एक सीधा बुना, फिर एक फंदा हम ये बढ़ाएंगे और फिर तीन फंदा जो है इसको घटा देंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई हमने पहली सिलाई डिज़ाइन की है कंप्लीट करनी है। अब ये देखिए तीनों फंदा हमने लेते जाना है, एक बार बढ़ाना है और एक बार घटाना है। अब ये देखिए धागा हमने एक फंदा बढ़ाया, एक बुना, फिर ये धागा हमने बढ़ाया और फिर ये तीन फंदा हमने घटा देना है। इसी तरीके से हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक फंदे के अगल बगल में हमने बढ़ाना है, इसके बाद तीन फंदे जो है एक साथ करके हमने घटा देना है। तो ये पूरी सिलाई हम ये बुन लेते हैं। ये देखिए हमारा ये पहला सिलाई जो है ये कंप्लीट हो गया है। बैक साइड से देखिए कैसे बनाना है। बैक साइड से जो फंदे हमने ये बढ़ाए हैं इसको इस तरीके से बुनना है। सभी फंदों को हमने उल्टा ही बुननी है, बैक साइड से एक एक करके हम बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बुनते जाना है। ये पूरी सिलाई फिर हम बुन के ये पूरा बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। अब ये देखिए बैक साइड से हमने पूरा उल्टा बुन लिया है। अब देखिए यहाँ से कैसे बनाना है डिज़ाइन को। ये पहला फंदा हमने उतार लिया, ये सीधा फंदा जो एक है इसको तो बुन ही लेंगे हर बार। अब यहाँ से देखिए इसको कैसे बनाना है। तीन फंदा हमने यहाँ घटाया हुआ है, तो इसको दो फंदा हम एक साथ कर लेते हैं। फिर से हमने यहाँ फंदे बढ़ाने हैं और ये एक फंदा को बुन लेना है। ये देखिए फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है,
और ये जो तीन फंदा जो यहाँ पर हमने घटाया था, तो इस बार देखिए कैसे घटाना है। ये बीच वाले फंदे को हमने चेन की तरह बनाना है बीच में, तो इस तरीके से हमने इसको पलट लेना है। ये देखिए ऐसे हमने पलट लिया और ये तीनों फंदा जो है इसको लेके एक साथ बुन देना है। ये देखिए अब ये बीच में ये चेन हो जाएगा। फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है और बीच वाले चेन को बुनना है। फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे और ये तीन फंदा जो हमने ये घटाया था, पहले तीनों को एक साथ घटा दिया था, फंदा हमने पलटा नहीं था। इस बार अब हम ये फंदे जो है ये तीनों को पलटते जाएंगे। दो फंदे को पलट लेंगे और एक फंदा हमने इसमें ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने बना लेना है। तो ये चेन जो है बीच में आता जाएगा। ये देखिए बीच में ये चेन इस तरीके से बनते जाएगा। फंदे भी बढ़ाते जाने हैं और घटाने भी हैं। ये बीच वाले चेन को, एक वाले फंदे को हमने ये इस तरीके से बना लेना है एक फंदा। फिर से हमने ये बढ़ाया और ये तीनों फंदा जो हमने एक साथ घटाया था, तीनों को एक साथ ही घटाएंगे, लेकिन ये फंदे जो हैं हमने पलट लेने हैं दो फंदों को। ये देखिए इस तरीके से हमने बना लेना है। यहाँ फिर से धागा हमने आगे बढ़ा लेना है, फिर एक बुनेंगे, फिर धागा बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दो सिलाई बुनने के बाद ये डिज़ाइन बुनी थी और यहाँ पर ये चार सिलाई बुनने के बाद हमने ये डिज़ाइन बुना है। अब इसके बाद ये डिज़ाइन बनाएंगे तभी ये यहाँ पर ऐसे घूमेगा, घुमावदार जब ये आएगा। अभी यहाँ पर ये सीधा सीधा धारी दिख रहा है, ऊपर हम ये डिज़ाइन बुनेंगे ये वाला, तो ये इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। तो अभी हमने ये डिज़ाइन बुनना है। ये देखिए ये डिज़ाइन के लिए हमने ये चार जालियाँ बुन ली है। ये देखिए एक दो तीन चार हमने जालियाँ बुनी है और बैक साइड से हर बार हमने उल्टा ही बुनना है सभी फंदों को। तो ये तो हमने दिखा दिया है कि आपको कैसे बनेगा ये। ये देखिए ये तीन, एक फंदा को बुनते जाना है और ये तीन फंदा को हमने घटाते जाना है इस तरीके से, जैसे हम ये बना रहे थे। ये एक फंदा को सीधा बुन लेंगे, ये तीन फंदा को, ये दो फंदा पलट के ये तीनों फंदा लेके हम एक साथ बुन देंगे तो ये मोटा मोटा बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा में हमने अगल बगल में जाली बढ़ानी है, एक बुनने के बाद बढ़ाना है और ये तीनों फंदा को, इसको और इसको, तीनों को हमने एक साथ करके बुन लेना है इन तीनों को। और ये बीच में इस फंदे को हमने सीधा कर लेना है। अब यहाँ से सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनाई कर लेना है। अभी हम ये डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ से ये वाला। तो ये छः सिलाई का डिज़ाइन है, तो इसको हम ये सीधा सीधा सभी फंदों को बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई जो है हमने सीधा बुन लेना है। कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है अभी, बस इसको ऐसी करके हमने ये सीधा बुन लेना है। बैक साइड से हमने उल्टा बुन लेना है, तो ये बुन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई हमने ये सीधी बुन ली है। बैक साइड से देखिए क्या करना है। बैक साइड से हमने पूरी सिलाई जो है ये उल्टा बुनना है। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी सिलाई ये कंप्लीट कर लेनी है। तो ये पूरा उल्टा हम बुन लेते हैं। अब ये देखिए दो सिलाई बुन के हमने ये सब बैक साइड से हमने उल्टा बुन लिया है, दो सिलाई बुन गया है। अब हमने देखिए क्या करना है। अब यहाँ से हमने ये दो फंदा, तीन चार, ये देखिए पांच फंदा हमने बुना। उसके बाद हम एक फंदा बढ़ाएंगे और ये दो फंदा जो है एक साथ घटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फिर से हमने यहाँ से पांच फंदे बुनने हैं। तो एक फंदा ये हो गया, दो तीन चार पाँच, ये देखिए पांच फंदा ये हो गया, एक दो तीन चार पाँच। फिर से हमने एक फंदा यहाँ बढ़ाना है और दो का एक कर देंगे। ये सिलाई हमने इसी तरीके से बुननी है। अब यहाँ से फिर से हमने एक फंदा ये, दो तीन चार पाँच, ये इस तरीके से हमने बुन लेना है।
आप जितने अगर ज़्यादा फंदे का भी चाहें आप ज़्यादा फंदे की गैपिंग रख सकती हैं। हमने 5 फंदे का रखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से ये बना लेना है। ये डिज़ाइन ये देखिए, यहाँ पर एक एक जाली बीच में ये बनते गया है। ये देखिए 5-5 फंदे के बाद में हमने ये बनाया है। तो ये पूरी सिलाई हमने इसी तरीके से बुन लेनी है और बैक साइड हमने पूरा उल्टा बुन लेना है। अब ये देखिए बैक साइड से हमने सामने तरफ से बुन लिया है, हमने जाली बना लिया है और बैक साइड से सभी फंदों को हमने उल्टा बुन देना है। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ये जाली वाले फंदे को इस तरीके से बुन लेंगे। ये देखिए और सभी फंदों को हमने बुन लेना है। तो ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बुन लेना है। इसके ऊपर 2 सिलाई जो है सामने तरफ से सीधा और बैक साइड से उल्टा बुन लेना है। तो 6 सिलाई की डिज़ाइन ये बन जाएगी। तो ये बुन लेते हैं। अब ये देखिए जाली जो हमारा ये बुन चुका है यहाँ पर। अब ये 4 सिलाई ये बुना है डिज़ाइन हमारा। अब 2 सिलाई जो है इसके ऊपर प्लेन हमने बुन लेना है बिना घटाए बढ़ाए। तो इसको फिर से हमने ये 2 सिलाई बुन लेना है, ये सीधा सीधा बुन लेंगे और बैक साइड से हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए ये जाली वाले फंदे को इस तरीके से बुनना है। ये देखिए बीच में ये जाली को बच्चा गोल बन गया है और बैक साइड से हमने उल्टा बुन लेना है। उसके बाद से हम ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 6 सिलाई का ये डिज़ाइन जो है ये बन के तैयार हो चुका है, ये भी बन गया है। अब ये देखिए इसमें अगर आप ये डिज़ाइन बनाती हैं तो इसमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से खूब सुंदर ये डिज़ाइन ये बन जाएगा। सिलाई का है ये 2 सिलाई का है, ये 4 सिलाई का है, आपको जो पसंद आए वो इसमें बना सकती हैं। और अब हम ये डिज़ाइन आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे बना है। तो ये डिज़ाइन जो है ये